जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। देखिए, जिस प्रकार से बिहार स्टेट में खेल हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे कई गुटों में जो है से बढ़ते जा रहा है लोग, एक तरफ क्वालिफाइड तो दूसरी तरफ डिसक्वालिफाइड, तो एक तरफ मेरिट दूसरी तरफ नॉन मेरिट, तो ये तमाम जो कहानियाँ शुरू हुई थी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लोग लगातार कोर्ट का भी चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, सभी को एक उम्मीद थी कि हम लोगों को पक्की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया सबकी परेशानियाँ बढ़ती गई। जहाँ 24,000 रिजल्ट थे, अचानक 21 जून को 80,000 पार कर जाना सभी के नींदों को उड़ाने वाली बातें थी। और लगातार अभ्यर्थी परेशान है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार लाठियां चल रही है, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मंत्री बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि छठे चरण के बाद सातवें चरण में सबको ले ली जाएगी। छठे चरण जैसे ही समाप्त होगी सातवें चरण की शुरुआत हो जाएगी। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, चूँकि हम लोग ये सुनते सुनते अब ऊब चुके हैं। अब होगी तो तब होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पेंच लग ही रहा है। सरकार अक्सर यही चाहती है कि बहाली रुके, उनकी मंशा अब कोष रूप से स्पष्ट नहीं दिखती है। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार के जनता दरबार में अभ्यर्थी ने पहुँचा तो उन्होंने स्पष्ट कॉल लगा के कहा कि 2011 वाले को 2019 वालों के साथ ही आवेदन लिए जाएंगे और वह प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। लेकिन अस्पष्ट रूप से शेड्यूल या किसी भी प्रकार की बातों से लोग मुकर रहे, लेकिन जहां तक लगातार मंत्रियों का बयान है और जिस तरीके से दबाव है, तो मैं यही अब आप लोगों को कहता हूं कि सभी पास अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, लेकिन आखिर कब मिलेगी ये तो हम लोग सुनते सुनते पक गए हैं कि नौकरी मिलेगी। ऑफकोर्स ये तो स्पष्ट है कि सभी पास अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या ये संभव है कि हम लोगों के पास 80,000 सीट आ जाए? ये 37,000 है, बैकलॉग का कुछ सीट आएगा तो वो बढ़ेगा, लेकिन 80,000 ये कहीं से भी ये पचती नहीं पाते। और प्लस 2011 में से कुछ नहीं आएंगे तो भी करीब 10,000 के आसपास तो आ ही जाएंगे, क्योंकि हाँ मैथ में कम आएंगे, लेकिन सोशल साइंस जहाँ तक सवाल है तो उसमें तो काफ़ी अभ्यर्थी अभी भी बचे हुए हैं। तो एक अनुमान लगाता हूँ कि 10,000 के आसपास उधर से आ जाएंगे, 80,000 के आसपास ये है तो 90,000 के आसपास। और जब तक सरकार किसी प्रकार से ये सीट नहीं बढ़ाती है तब तक कोई उम्मीद की किरण नहीं जचती। और जहाँ तक वो बोल रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जिसमें आपने ग्रेजुएशन और जो बीएड है वो मार्क्स केवल जोड़े जाएंगे, तो फिर ये परीक्षा में जो आपने 115, 120 या जो भी लाए 130, उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो सिंपल जो क्वालिफाई है वो मेरिट में आ जाएंगे। हो सकता है कि कम नंबर वाले को भी नौकरी मिल जाएगी जिन्होंने एसटीईटी में कम मार्क्स ऑप्टेन किया हो। तो लेकिन ये सारी परेशानियां दूर हो तो कैसे? सबसे बड़ी बात है, चलो हम लोग मान लेते कि सभी पास अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, लेकिन ये होगा कैसे और कब होगा? क्या छठी चरण के तुरंत बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? क्या आप लोगों को लगता है? तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दी और फिर